खबर भरतपुर से। क्षेत्र के एक गांव की विवाहित महिला ने 3 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला के द्वारा बताया गया कि दिनांक 22 मई 2021 को समय करीब दोपहर 11 बजे पीड़िता के परिवार पर जन मजदूरी पर गए थे। वह घर पर अकेली थी तो एक व्यक्ति घर के अंदर आया और कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत गंभीर है, जिसके सुनकर पीड़िता घबरा गई और किसी भी व्यक्ति के साथ घर के बाहर एक और व्यक्ति गाड़ी लेकर खड़ा था, जिनके साथ पीड़िता अपने पति को अलवर देखने के लिए साथ चली दी। वे दोनों व्यक्ति उस महिला को अज्ञात स्थान पर ले गए, वहां इनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी तथा पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अज्ञात व्यक्ति ने हथियार का भय दिखाकर उसके अन्य साथियों से कहा कि इस कमरे में ले चलो, जिस पर वे लोग पीड़िता को कमरे में खींचकर ले गए और बारी बारी से पीड़िता को बंधक बनाकर बलात्कार करते हैं तथा दिनांक 3 जून 2021 को उसको बंधक बनाकर रखा, उसका देह शोषण करते रहे। दिनांक 3 जुलाई 2021 को पीड़िता को जैसे ही मौका मिला तो अज्ञात स्थान से निकलकर छुपते ही छुपते हुए अपने गांव तक जैसे तैसे पहुंची और अपने साथ घटित हुई अपराधी घटना के बारे में अपने पति व परिवार जनों को बताया। उन लोगों के द्वारा घटना के बारे में बताया, पीड़िता को घर में आकर धमकी दी थी, हमने तेरी अश्लील वीडियो क्लिप के फोटोग्राफ से बना लिए हैं, अगर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी तो अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स को वायरल कर देंगे और समाज में तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे और तुझे व तेरे पति और परिवार लोगों को जान से खत्म कर देंगे। इस मामले को लेकर पीड़िता ने नगर में मामला दर्ज कराया। उसको लेकर पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर पीड़िता ने कहा यदि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह मजबूरन धरने पर बैठेगी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस उपाधीक्षक सत्यप्रकाश मीणा ने बताया कि मामले को लेकर जांच चल रही है, जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ घटना ये हुई है, घर पे एक लड़का आया था, उसका नाम घर पर आया था, वो मेरे आदमी का एक्सीडेंट बोल के मुझे ले गया और मुझे ले जाके नहीं मतलब एक गांव में ले गया। वहाँ ले जाके मेरे 3 लड़के थे, 3 लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी, पुलिस से कहते कहते हमको कम से कम 15-20 दिन होगा पुलिस के पास जाते जाते, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही तो हम रोजाना आते आते परेशान हो गए, क्या करें हम। अभी जाँच चल रही है और 164 बयान होते ही